हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर अर्थात इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 16 होने जा रहा है, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों थॉमस हिल ग्रीन की। ठीक है ना? तो थॉमस हिल ग्रीन से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, इनके राजनीतिक विचारों को देखने का प्रयास करेंगे। क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों, एक अनाउंस छोटा सा। अगर आप में से किसी छात्र, कोई भी छात्र या छात्रा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, एसएससी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे एक नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नए चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी GK, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। नॉर्थ के साथ में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी वहां पर करवाई जाएगी। बहुत जल्दी वहां क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेशन में। बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। थॉमस हिल ग्रीन पर हमारा सेशन होगा, उसके बाद में जेरेमी बेंथम, उसके बाद जेरेमी बेंथम और फिर जॉन एस मिल के साथ में दोस्तों हमारी यूनिट 3rd भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के टॉपिक का सारांश क्या है, जरा सारांश देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है पूरा दोस्तों, बहुत ही इजी वे में कंप्लीट होने वाला है। इसमें कोई भी ऐसी उलझाने वाली बातें नहीं रहेगी। जेरेमी बेंथम का सामान्य परिचय इन पॉइंटों के माध्यम से ही हो जाएगा। इन पॉइंट, जो पॉइंट आपको 10 पॉइंट दिख रहे हैं, इनके द्वारा ही आपको इनके विचार भी देखने को मिल जाएंगे, वो साथ ही साथ में इनका सामान्य परिचय भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है, इस कारण से दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से हम इनको कवर करेंगे। 10 ही पॉइंट पर वन बाय वन करके दोस्तों फटाफट डिस्कस करेंगे, जिससे कि समय की थोड़ी बचत हो जाए, क्योंकि 10 पॉइंट पर डिस्कस करना है, टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। शुरुआत कर लेते हैं ग्रीन साहब के एक सामान्य से परिचय से, कि ये जो ग्रीन साहब थे ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे दोस्तों? ब्रिटेन के थे। तो ब्रिटिश राजनीतिक विचारक टी एस ग्रीन की एक प्रमुख रचना थी दोस्तों, एक रचना थी लेक्चर्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। क्या नाम था उनकी रचना का, अर्थात उनकी किताब थी, उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और इस किताब में ही जो है उन्होंने अपने इन विचारों को लिखा था। ठीक है ना? तो अब देखिए कि अब ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई पॉलिटिकल थिंकर है वो डायरेक्ट जाकर किसी सरकार को जाकर के अपनी सलाह देगा। भाई सरकार को थोड़ी ना, उन्होंने जो किताबें लिखी थी उस समय सरकार को समझाने के लिए, राज्य को समझाने के लिए, तो उन किताबों की चर्चा यहाँ पर होती है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जॉन एस मिल के द्वारा, ग्रीन साहब के द्वारा, माफ करना, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उस किताब का नाम यही था, लेक्चर ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो इस किताब के द्वारा ही उनके विचार हमारे सामने आए थे, और इन्हीं विचारों को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उसी बुक के, उसी किताब के, उसी पुस्तक के 10 विचार यहाँ पर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक एक करके 10 ही विचारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम ग्रीन के स्वतंत्रता से संबंधित विचार, कि ग्रीन साहब के जनता कितनी स्वतंत्र होना चाहिए, या कहें कि ग्रीन ने जिस राज्य का स्वप्न देखा, जिस राज्य की कल्पना करते हैं वो, उस राज्य में जनता को कितनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उस स्वतंत्रता की हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके विचारों की बात करेंगे। तो आ जाइए, ये स्लाइड को समझते हुए पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसको कंप्लीट करेंगे। ग्रीन ने स्वतंत्रता को मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण माना है। तो चलिए थोड़ी सी शांति तो हुई कम से कम यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले के जितने भी थिंकर थे वो स्वतंत्रता को, नैतिकता को, धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कम से कम यहाँ पर आते ही एक नैतिकता की बात तो की है कि स्वतंत्रता जो है मानव का सबसे आवश्यक गुण है। ये कहा ग्रीन साहब ने। क्या कहा ग्रीन ने? कि स्वतंत्रता सबसे आवश्यक गुण है। ठीक है, तो स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है, स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है, और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, ये बैटरी डाउन हुई थी सिस्टम की, 1 मिनट जरा चेक कर लें। ओके, सब ठीक है ना? तो चलिए एक बार वापस से शुरू करते हैं। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को मानव आत्मा का एक आवश्यक गुण माना, और स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है। अब जरा इस कहानी को, इन पॉइंटों को पकड़ते चलिए, पॉइंटों को समझ चलना। ग्रीन
ग्रीन्स आपके अनुसार क्या है कि स्वतंत्रता ही अधिकारों को जन्म देती है। स्वतंत्रता, जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जनता के पास स्वतंत्रता होगी, तभी उसको अधिकार मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे या कहें कि उनको अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अधिकारों को जन्म देती है और अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। तो इस लाइन का अर्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए 2-1 मिनट रुक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ग्रीन्स आपका मानना यह था कि जब जनता स्वतंत्र होती है, और जब स्वतंत्र जनता होती है तो उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, कुछ कार्य करने की या विभिन्न प्रकार के कार्य करने की उसकी महत्वाकांक्षा होती है। उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के तहत ही उसे जो है कुछ अधिकारों की जरूरत होती है ना, उन अधिकारों की जरूरत होती है। अब जनता को अधिकार देगा कौन, नागरिकों को अधिकार देगा कौन? तो वो अधिकार दिए जाते हैं दोस्तों राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अधिकार दिए जाएंगे। तो इस कारण से जो अधिकार होते हैं, अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए या जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए राज्य को एक मूर्त रूप प्रदान करती है कौन, स्वतंत्रता, ठीक है। तो स्वतंत्रता चली, स्वतंत्रता से अधिकार और अधिकार से राज्य को एक मूर्त रूप प्रदान हुआ, ठीक है। इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों की जननी है, इसीलिए कहा गया है कि जो स्वतंत्रता है वो अधिकारों की जननी है, अर्थात स्वतंत्रता से ही अधिकार जन्म लेते हैं। तो ये अधिकार राज्य से ही प्राप्त तो होते हैं, जिससे सभी व्यक्ति अपना पूर्ण नैतिक विकास कर सके, ठीक है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता। अब जरा यहाँ पर भी समझते चलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को भी 2 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्रता आंतरिक होती है और एक स्वतंत्रता होती है बाहरी स्वतंत्रता। तो आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ग्रीन ने कहा है कि मनुष्य बुरी मनोवृत्तियों को अपने बस में करके अपने आप को स्वतंत्र बनाता है, उसको कहते हैं आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता अर्थात ये कि मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इस लेक्चर में मैं कितना पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है तो उसे मैं कहूँगा मेरी जो है आंतरिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी का प्रभाव होगा तो दोस्तों वो मेरे मोटो को अर्थात मेरे उद्देश्य को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, मुझ पर प्रभाव जमाएगा, तब वहां पर मेरी आंतरिक स्वतंत्रता का हनन होगा, है ना। तो यही ग्रीन साहब ने ये परिभाषा दी है। इसके अलावा जब ग्रीन साहब बात करते हैं बाहरी स्वतंत्रता की, जब ग्रीन बात करता है बाहरी स्वतंत्रता की, तो वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का विषय है कौन, बाहरी स्वतंत्रता राजनीति शास्त्र का विषय है। इसका मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं है, शब्दों के उसमें उलझन में मत उलझिए। आंतरिक स्वतंत्रता अर्थात ये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य का निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने आत्मसंयम के द्वारा, जिसमें वो चाहे तो बुरे कार्यों को इग्नोर करके अच्छे कार्य कर सके ना। तो ये हो जाती है उसकी आंतरिक स्वतंत्रता। और वहीं जब बाहरी स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो बाहरी स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि सरकार या देश, राज्य 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 या राज्य की सरकार हमें कितने अधिकार दे रही है, कितनी स्वतंत्रता दे रही है, वो हो जाती है आपकी बाहरी स्वतंत्रता, जनता की बाहरी स्वतंत्रता। तो इन दोनों स्वतंत्रताओं की उसने बात की है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के कार्यों को पूरा कर सके और उसे अपने आत्म विकास में किस प्रकार की बाधाओं से जूझना पड़े, इन सभी प्रकार की जो है मतलब किसी प्रकार की बाधा से ना जूझना पड़े, सारे अधिकार उसको मिल जाए, उसी को बाहरी स्वतंत्रता कहते हैं। तो इस तरह स्वतंत्रता अंततः राज्य के रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के नैतिक उत्थान का साधन बनती है। तो सिंपल सी बात यही कही है उन्होंने कि स्वतंत्रता अधिकारों को जन्म देती है और अधिकार राज्य को स्थापित करते हैं, उसको मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो जनता के बीच जनता को 2 प्रकार की स्वतंत्रता जनता की होती है, और दोनों प्रकार की स्वतंत्रता जनता के पास में होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इनका ग्रीन के अधिकार संबंधी विचार। अधिकारों के संबंध में ग्रीन ने क्या कहा, स्वतंत्रता से संबंधित आपने देख लिया कि स्वतंत्रता को लेकर के ग्रीन साहब क्या विचार थे। अब यहाँ देखेंगे आप ग्रीन के अधिकारों को लेकर के क्या विचार है, क्या अधिकारों के बाद में भी क्या इन्होंने जनता को अधिक महत्व दिया है या सरकार को अर्थात राज्य को अधिक महत्व दिया है अधिकारों के मामले में। तो जरा यहाँ देख लीजिए, राज्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति व्यक्ति
राज्य के लिए आवश्यक है कि राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पक्षपातहीन और सार्वभौम अधिकारों की व्यवस्था करे। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इस राज्य जो है जनता को बिना भेदभाव किए अधिकार प्रदान करे जनता को, और अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, लेकिन अगर अधिकार नहीं है तो व्यक्ति अपना आत्म विकास नहीं कर पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है, और उसके लिए उसे कुछ परिस्थितियों की अपेक्षा होती है ना, उसके लिए उसे प्रत्येक उसको उसके लिए परिस्थितियों की अपेक्षा होती है। इन परिस्थितियों और सुविधाओं द्वारा ही वह आत्मानुभूति कर सकता है। ये परिस्थितियां और सुविधाएं ही अधिकार है। तो सिंपल शब्दों में इनको समझते चलिए दोस्तों। थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा आपको डाउन लग रहा होगा ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी जब मैं लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त अभी नाइट के लगभग 3:18 हो रहे हैं नाइट के, और मैं कंटिन्यूअसली दोस्तों आपके लिए जो है 9 बजे से कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लासेस 9 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो और चूंकि आप सभी को पता ही है कि पिछले 2 महीने से क्लासेस बंद थी, 2 महीने से पूरी तरह बंद थी, तो उस बीच में जो हमारा जो लॉस हुआ है, मतलब क्लासेस का जो लॉस हुआ है उसको कवर करना पड़ेगा अभी इसमें एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके। तो इस कारण से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और इसका एक अन्य कारण ये भी है कि दोस्तों जो पूरी टीम थी अर्थात पीपीटी बनाने वाले लोग अलग थे, यहाँ पर ये सब मैनेजमेंट देखने वाले अलग थे, लेकिन अभी इस वक्त कोई भी नहीं है, सारे काम मुझे अकेले को ही करना पड़ रहा है, इसलिए काम का वर्डन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग नाइट में पीपीटी की तैयारी करता हूँ, उसके बाद में दिन में कोई टाइम मिलता है तो रिकॉर्ड करते, नहीं तो दिन में भी पीपीटी का ही काम चलता रहता है। तो इसकी वजह से आज थोड़ी एनर्जी, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, इस कारण से थोड़ा सा आपको डाउन लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा माइंड ना करें। समझाने में मैं आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, आवाज भले ही स्लो होगी, ध्यान से सुनते रहे लेक्चर को, है ना, समझाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बिल्कुल आराम से स्मूथ तरीके से ही समझाऊंगा इनको, ठीक है। तो ग्रीन के अधिकार से संबंधित क्या विचार थे, तो उनके विचार सिंपल से थे कि जनता को, नागरिकों को अधिकार मिलने ही चाहिए, क्योंकि अधिकारों से ही जनता का आत्म विकास होता है, जनता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाती। इसलिए अधिकार राज्य को जो है अधिकार जनता को देने ही चाहिए, और अधिकतम अधिकार जनता के पास में होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों राज्य की आवश्यकता संबंधी विचार। राज्य की आवश्यकता संबंधी विचार, तो ग्रीन के अनुसार राज्य की क्यों आवश्यकता थी, किस कारण से आवश्यकता थी, तो जरा आइए समझते हैं इसको। अधिकारों की प्राप्ति के लिए, चलिए एक बार काम करते हैं स्लाइड को पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको व्यवहारिक पक्ष समझाते हुए आगे बढ़ाएंगे। अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, बिना राज्य के ना तो अधिकारों की कल्पना की जा सकती है और ना उनका सदुपयोग संभव है। अधिकारों के हनन को रोकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो ये देखे कि व्यक्तियों के द्वारा कहीं अपने अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है और कहीं उनके द्वारा दूसरों के अधिकारों पर आघात तो नहीं किया जा रहा है ना। एक ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है, अतः अधिकारों के संरक्षण और उनके अस्तित्व को सही और उपयोगी रूप से बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। अब इसको दोस्तों व्यवहारिक रूप से ऐसा समझिए कि अधिकार, देखिए राज्य की जरूरत क्यों है, इसका मतलब क्या हुआ, सरकार की जरूरत क्यों है। अब समझिए जरा कहानी को कि अगर राज्य नहीं होगा तो अभी आप खुद एक अनुमान लगाकर देख सकते हैं, गेस करके गेस कीजिए, आप लोग सोचिए कि अगर इस वक्त हमारी कोई सरकार ना हो, वर्तमान में अगर कोई सरकार ना हो, तो ये बताइए क्या आप किसी भी नियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं, या किसी भी नियम का पालन करना आपके लिए जरूरी होगा, नहीं होगा। जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, जो ताकतवर होगा वो निर्बल पर अर्थात उससे कम ताकतवर पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। अब चूंकि ये सारे कार्य जो है व्यवस्थित संचालित हो रहे हैं, क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार अर्थात राज्य है, वो अपने जो कुछ नियम या कानूनों के तहत ही प्रत्येक जनता प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ नियम या कानून निर्धारित किए गए हैं, उनके अंदर ही इनको कार्य करने होते हैं। वो स्वयं राज्य भी संविधान के अंदर रहकर कार्य करता है, तो इस प्रकार से कुछ नियमों में सब आपस में बंधे हुए हैं, इस कारण से सारी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। लेकिन अगर राज्य नहीं होता तो क्या इसमें कुछ भी संचालित हो
हो पाता व्यवस्थित रूप से, बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो मनुष्य है वो जानवर की प्रवृत्ति धारण कर लेता और जानवरों के अनुसार जिस प्रकार से जानवर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी अपना जीवन लड़कर मरकर इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है ना। तो इन्हीं सब बातों को इंक्लूड करते हुए ग्रीन साहब ने स्पष्ट कहा है कि जनता को जब आप स्वतंत्रता देने की बात करते हो, जनता को जब आप अधिकार देने की बात करते हो, तो ये स्वतंत्रता और अधिकार देगा कौन? सरकार देगी, राज्य देगा। वो चलिए मान लेते हैं कि उनके पास सरकार या किसी और ने उसको अधिकार दे भी दिए हैं, तो अगर उन अधिकारों को कोई छीनता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा ना। तो इन सब कारणों से राज्य की बहुत आवश्यकता है, राज्य होना ही चाहिए एक प्रत्येक समाज के लिए। राज्य की अति आवश्यकता है, सरकार की आवश्यकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। अब जरा समझिए क्या मतलब इसका पहले कहने का। आइए स्लाइड पढ़ते हैं, उसके बाद व्यवहारिक पक्ष इसका समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राज्य का आधार, ये मिसप्रिंट है, ठीक कर लेना। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। ग्रीन का मत है कि व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन दंड के भय से नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार करता है, अपनी इच्छा से करता है। ग्रीन की यह भी मान्यता है कि राज्य का एक आवश्यक गुण उसकी सर्वोच्च दमनकारी शक्ति है। क्या कहा है ग्रीन ने? एक बात और यहाँ पर एकदम अपोजिट कह दिया है कि राज्य का एक आवश्यक गुण है, एक आवश्यक गुण है जो सर्वोच्च सर्वोच्च दमनकारी शक्ति है। सामान्य अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा बल का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्ति की इच्छाओं के दमन करने के लिए किया जाता है। अब जरा मतलब कहने का ये पर ये है कि ग्रीन का स्पष्ट कहना ये है कि सामान्य जीवन के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो सामान्य जीवन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राज्य का नागरिक, राज्य का जो सम्मान करता है, या कहें कि राज्य के द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन जो करता है राज्य, वो किसी डर से नहीं करता है बल्कि वो अपनी इच्छा से करता है, ये ग्रीन का कहना है। लेकिन कब करेगा? जब राज्य अनावश्यक रूप से कोई प्रभाव नहीं बनाएंगे जनता पे, तो ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत में ग्रीन ने यह भी कहा है कि भाई राज्य के पास में इतनी शक्ति जरूर होना चाहिए कि अगर कोई किसी के अधिकारों को हड़प रहा हो, अगर कोई अनावश्यक गतिविधियां कर रहा हो समाज में, देश में, राष्ट्र में, राज्य में, तो उनको रोक सके राज्य, अर्थात कि दमनकारी शक्ति राज्य के पास में सर्वशक्तिमान राज्य होना चाहिए, तभी जाकर के एक व्यवस्था, एक उचित व्यवस्था का संचालन राज्य में किया जा सकता है। राज्य मतलब यहाँ देश हो चल रहा है ना, राज्य का मतलब छोटा सा राज्य मत समझ लेना। राजनीति विज्ञान में मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, राजनीति विज्ञान में जब भी हम राज्य शब्द बोलेंगे, जब भी राज्य शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब हम एक देश की बात कर रहे हैं, एक संपूर्ण एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 5 है राज्य के कार्य। राज्य के कार्य किस प्रकार के होने चाहिए ग्रीन के अनुसार? तो ग्रीन का मानना था कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का श्रमिक विकास करना है। कैसा विकास करना है? श्रमिक विकास करना है। श्रमिक विकास मतलब कुछ नहीं है, ज्यादा परेशान मत होइएगा। श्रमिक विकास मतलब ये कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करके अपना उचित तरीके से और संपूर्ण तरीके से अपना भरण पोषण, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और भविष्य के लिए कुछ संचित भी कर सके, कुछ जमा भी कर सके। इसको कहते हैं श्रमिक विकास कर। तो ग्रीन का स्पष्ट मानना यही था कि राज्य का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि प्रत्येक रूप से जितनी भी योजना, जितने भी नियम कानून लाए जा रहे हैं राज्य के द्वारा जनता के लिए, उस प्रत्येक नियम से, प्रत्येक योजना से जनता का श्रमिक विकास हो, जनता आत्मनिर्भर बनती चले, जनता का विकास होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अनुसार राज्य का कार्य मनुष्य का नैतिक उत्थान करके, राज्य का क्या कार्य क्या है कि मनुष्य का, व्यक्ति का नैतिक उत्थान करके व्यक्ति को अच्छा जीवन व्यतीत कर सके इसके लिए योग्य बनाना है। तो भाई अगर आप उसकी आय को बढ़ा दोगे, किसी व्यक्ति की आय को बढ़ा दोगे, तो ऑटोमेटिकली अन्य क्षेत्रों में वो अपने आप विकास करने लग जाएगा। जैसे कि जब जिस किसी की आय बढ़ती है ना, जब अच्छे जैसे कि आर्थिक दबाव नहीं होता किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसकी नैतिक प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है, रहन सहन का तरीका अपने आप बढ़ने लगता है, हर चीज में इंप्रूवमेंट करने लगता है और आसानी से कर लेता है ना। तो यही ग्रीन का कहना था कि श्रमिक विकास अगर आप कर रहे हो, तो श्रमिक विकास जब होगा तो उसके साथ ही साथ में नैतिक उत्थान भी होगा व्यक्ति का, और एक अच्छा जीवन जीने लायक वो बन सकता है, ठीक है। अतः राज्य को वे कार्य करने चाहिए जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो।
राज्य के कार्यों के संबंध में ग्रीन का मानना था कि राज्य के कार्य सकारात्मक और तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे राज्य का विरोध करने का अधिकार मतलब क्या। लोकतंत्र, राज्य का विरोध करने मतलब कि राज्य अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो जनता के पास में अधिकार होना चाहिए ताकि वो राज्य का विरोध कर सके, है ना। जैसे कि लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है, यही तो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यही होता है कि जनता जनता अपनी स्वतंत्रता की मांग कर सकती है, राज्य अगर उसकी स्वतंत्रता को छीनता है या उसके अधिकारों को छीनता है या जनता के विरुद्ध में या राज्य के विरुद्ध में कोई ऐसा निर्णय लेता है जिससे राष्ट्र का किसी किसी प्रकार से जो है कहीं तो होता हो, तो जनता राज्य का विरोध कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए राज्य के अंदर, है ना। तो आइए इसको भी समझते हैं। ग्रीन आदर्शवादी थे, ग्रीन आदर्शवादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य को सर्वशक्तिमान नहीं कहा है, अर्थात निरंकुश नहीं कहा है। राज्य के पास में शक्ति होना चाहिए लेकिन निरंकुश नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में सारी चीजें जो है, जितने भी हमारे यहाँ पर संस्थान है जो सर्वशक्तिमान है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी बड़े बड़े पद है, सबके सब दोस्तों संविधान से बंधे हुए हैं, एक दूसरे अपने कर्तव्य में बंधे हुए हैं। मतलब कोई भी जो है पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकता, तो ग्रीन ने भी यही कहा है कि राज्य को सर्वशक्तिमान तो होना चाहिए लेकिन निरंकुश नहीं होना चाहिए। शक्ति होना चाहिए उसके पास में लेकिन सर्वशक्तिमान अर्थात निरंकुश नहीं होना चाहिए। ग्रीन के अनुसार राज्य की शक्ति आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में सीमित है। आंतरिक रूप में राज्य की शक्ति इस बात से सीमित है कि राज्य के कानून केवल नागरिकों के बाहरी कार्यों को ही नियंत्रित कर सके। राज्य के जो कानून मतलब सरकार जो कानून बनाती है, राज्य जो कानून बनाता है जनता के लिए, वो कानून सिर्फ व्यक्ति के बाहरी जीवन को नियंत्रित करे, आंतरिक जीवन में हस्तक्षेप ना करे। आंतरिक जीवन जैसे आपको क्या खाना पसंद है ना, आप कब सो रहे हैं, ये अब मान लीजिए कि सरकार नियम बना दे कि आपको शाम को इवनिंग में नाइट में 10 बजे सोना है और सुबह 4 बजे उठना है, तो कितना गुस्सा आएगा आपको, है ना। तो इस प्रकार के हमारे आंतरिक मामलों में सरकार को अर्थात राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे बाहरी जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर नियंत्रण लगा सकती है सरकार, है ना, उसको नियंत्रित कर सकती है। तो उनके आंतरिक उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए, यही ग्रीन साहब का कहना था। यदि हम राज्य को सामाजिक संबंधों के संरक्षक और व्यवस्थापक के रूप में स्वीकार करते हैं तो इससे यह अर्थ निकलता है कि व्यक्ति का राज्य विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे भाई, व्यक्ति क्यों विरोध करेगा या क्यों इस प्रकार का कोई आंदोलन या विद्रोह करेगा, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी, अधिकार होगा, तो जनता स्वयं अपने आप संगठित हो जाएगी, है ना, मैनेज्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट विचार के अंतर्गत हम बात करेंगे ग्रीन के दंड संबंधी विचार। तो दोस्तों ग्रीन ने दंड से संबंध दंड के संबंध में एक राज्य जो दंड देता है सामान्य नागरिकों को, उस दंड के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं, किस प्रकार की दंड व्यवस्था एक अच्छे राज्य के अंदर होना चाहिए। तो ग्रीन के अनुसार दंड व्यवस्था पर ग्रीन के विचार राज्यों के कार्यों की सीमा के अंतर्गत ही आते हैं। एक मिनट पेन चेंज कर ले जरा। दंड व्यवस्था पर ग्रीन के विचार राज्यों के कार्यों की सीमा के अंदर ही आते हैं। राज्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण करने के लिए अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था करता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई गतिविधि समाज में राज्य में हो रही है जो राज्य या समाज के विकास में बाधा डाल रहे हैं कुछ लोग, कोई संगठन, कोई विद्रोही, तो उनको दंड देने के लिए राज्य के पास में अधिकार होने चाहिए। अपराधी अनेक समाज के विरोधी कार्य, जैसे अपराधी जो है, अपराधी कई सारे समाज में विरोध में अपराधी प्रवृत्ति के कार्य करता है, जैसे हत्या करना, चोरी, डकैती, तो कई सारे क्रिमिनल केस होते रहते हैं, तो उन अधिकारों को हानि पहुंचाते हैं जो अधिकार नागरिकों को राज्य ने दिए हैं, है ना। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें दंड देकर व्यक्तियों के अधिकारों को बचाए, सुरक्षित करे, वो समाज की प्रगति और विकास में बाधा बनने वाले सभी जितने भी तत्व हैं उन सबको उखाड़ फेंके, है
ये राज्य का प्रमुख अधिकार है, और यही ग्रीन कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है ना, वो लगभग लगभग जो है ग्रीन के ही विचारों पर चल रही है, मतलब तो ग्रीन के सब विचारों को पूरी तरह से अपना चुकी है। लगभग विश्व के सभी देश जो है इन इन्हीं चीज बातों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। अगर संपत्ति से संबंधित विचार की बात करें तो ग्रीन साहब का कहना है, ग्रीन साहब का मानना है कि संपत्ति संबंधी विचारों की दृष्टि से ग्रीन अपने समय की अपेक्षा अधिक उदारवादी है, अपने समय की अपेक्षा, इस पॉइंट से इस जो अब लगा हुआ है ना, अपने समय की अपेक्षा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अपने समय की अपेक्षा का अर्थ यह हुआ कि उनके समय में जो अर्थव्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी वो थोड़ी टाइट थी ना, वो बहुत ज्यादा टाइट थी, तो उससे थोड़ा से उदार होकर के उन्होंने ये किताब लिखी थी, उन्होंने किताब लिखी थी। और वह व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्होंने ना तो विरोध किया और ना ही समर्थन किया, ठीक है ना। ना विरोध, व्यक्तिगत स्वतंत्र, व्यक्तिगत संपत्ति मतलब कि व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है कितनी, तो इस बारे में उन्होंने विरोध भी नहीं किया और ना ही उसका समर्थन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तटस्थ रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि एक व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिस, क्योंकि देखिए अच्छा कार्य करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा तो उसके पास संपत्ति बेसिकली होगी। लेकिन उसके बाद में इनकी आलोचना इसी बात को लेकर भी की गई थी मार्क्सवादियों के द्वारा, वो एक अलग बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे आज, है ना। तो उन्होंने स्पष्ट कहेंगे कि हम कि यहाँ पर उन्होंने एक व्यक्ति का जो संपत्ति होती, पर्सनल प्रॉपर्टी होती ना, उसका ना समर्थन किया और ना ही विरोध किया। तो इस प्रकार आधुनिक भाषा में ना तो वह व्यक्तिवादी है और ना समाजवादी। व्यक्तिवादी होते तो क्या करते दोस्तों, व्यक्तिवादी होते तो व्यक्ति व्यक्ति का जो संपत्ति, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका समर्थन करते। वो समाजवादी विचारधारा के होते तो व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते, ठीक है ना। तो वह आमतौर पर संपत्ति का समर्थन इस आधार पर करता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए संपत्ति अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि व्यक्ति अगर अपना विकास करना चाहेगा तो उस विकास के लिए संपत्ति का होना बहुत जरूरी है इसके अलावा ग्रीन का मत ये रहा है कि हर व्यक्ति को संपत्ति पैदा करने का मौका मिलना चाहिए, संपत्ति संपत्ति अर्थात की आय पैदा करने का मौका मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्ति व्यक्ति में सामाजिक कल्याण में भाग लेने की शक्ति होती है। और चूंकि व्यक्तियों में यह सामर्थ्य एक समान नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है, इसी कारण से सब व्यक्ति के पास में संपत्ति भी अलग अलग ही होगी, सबके पास एक समान नहीं होगी, क्योंकि कार्य करने का जो सामर्थ्य क्षमता होती है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास में अपनी क्षमता के अनुसार उसका उसके पास संपत्ति हो सकती है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। तो ये सामान्य से एकदम सिंपल भाषा में, हालांकि इतना सिंपल भाषा में आपको किताब में मिलेगा नहीं दोस्तों, लेकिन जितना संभव हो सका मैं उन्हें उसको इतना सिंपल करने का यहाँ प्रयास किया है। इसी कारण से ज्यादा समझाने की आवश्यकता यहाँ पड़ नहीं रही है, स्लाइड एकदम सिंपल है, सिंपल अर्थों में, सिंपल शब्दों में है। एक बार पढ़ेंगे एक बार में ही पूरा समझ आता चला जाएगा। स्लाइड में पीपीटी में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं, क्यों अभी फिलहाल मैं ही जो है टाइप कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इस कारण से बहुत ज्यादा इजी वे में ये सारी स्लाइडें आ रही है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, विश्व बंधुत्व एवं युद्ध संबंधी विचार। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए या युद्ध से संबंध में, युद्ध के संबंध में ग्रीन साहब के क्या विचार रहे हैं, उन पर जरा बात कर लेते हैं। स्लाइड को पढ़ लीजिए, ये अपने आप ही समझ आ जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। विशेष शांति और विश्व बंधुत्व के समर्थकों में ग्रीन का नाम सबसे अग्रणी रहा है। उनके अनुसार विश्व बंधुत्व की भावना ही एक ऐसी भावना है जिससे विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। देखिए एकदम सिंपल सी बात कही है उन्होंने भी, भाई अगर विश्व बंधुत्व की भावना अगर सब व्यक्तियों में होगी तो विश्व शांति स्थापित करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा ना। तो विभिन्न राज्यों के परस्पर सामंजस्यपूर्ण संबंध निर्मित हो सकते हैं, तो सभी देशों में जो है उनके संबंध, घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, नैतिक विकास के लिए अधिकार की प्राप्ति होनी अनिवार्य है। नैतिक विकास अगर व्यक्ति का करना चाहते हो तो अधिकारों की प्राप्ति जरूरी है, क्योंकि जीवित रहने पर ही व्यक्ति विकास की ओर उन्मुक्त होता है। वह युद्ध को मनुष्य के जीवन के अधिकार को छीनने वाला हत्याकांड बताकर उसे निरर्थक घोषित करता है, उसको अनुचित मानता है। तो युद्ध का किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार से ग्रीन ने समर्थन नहीं किया है, युद्ध
युद्ध को हमेशा एक हत्याकांड बताया है, एक हत्याकांड बताया है, युद्ध हत्याकांड से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इसलिए विश्व शांति, विश्व बंधुत्वता के द्वारा विश्व शांति स्थापित करना ही एकमात्र मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे दोस्तों, यह है शासन के संबंध में क्या विचार रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विचार रहे हैं ये। शासन के संबंध में अर्थात राजनीति के क्षेत्र में शासन से संबंधित संबंध में क्या विचार ग्रीन के रहे हैं। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक होते हुए उन्होंने ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा, लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन प्रणाली का समर्थन किया। कैसे विचारक हैं ये, आदर्शवादी विचारक थे, लेकिन उसके बाद भी तब भी इन्होंने ब्रिटेन की जो राजनीतिक परंपरा थी, ब्रिटेन की जो राजनीतिक परंपरा थी उसका, लोकतंत्र का और प्रतिनिधि शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसके विचार से राज्य का शासक शासन एक राजा के द्वारा भी चलाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह सामान्य इच्छा से जनता के हित में शासन करें। ऐसा करते हुए यदि वह निरंकुश शक्ति से मुक्त हो है तो भी ग्रीन को कोई आपत्ति नहीं है, युक्त है। तो यहाँ कहने का उनका मतलब अर्थ ये है कि ग्रीन कहना चाहते हैं कि एक राजा के द्वारा भी पूरे देश को संचालित किया जा सकता है, जैसे पहले राजाओं की व्यवस्थाएं थी, इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाएं तो थी नहीं, वैधानिक संस्थाएं थी नहीं, एक राजा के द्वारा ही पूरे देश का संचालन किया जाता था। तो उस वो ग्रीन भी कहते हैं कि एक राजा के द्वारा भी देश को चलाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो राजा पूरी तरह से सिर्फ जनता के विकास के लिए कार्य, जनता के विकास के लिए कार्य करे। और अगर कोई राजा पूरी तरह से सिर्फ जनता और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है तो फिर वो राजा अगर निरंकुश भी होगा, अत्याचारी भी होगा तो भी चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ग्रीन यदि एक अधिनायक तंत्र सामूहिक हित के उद्देश्य से सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करे तो एक वैधानिक सरकार अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर भी उनका कहना वही है कि जिस राजा की हम कल्पना कर रहे हैं, जो कि निरंकुश भी हो सकता है, अगर वो अधिनायक तंत्र के द्वारा भी आता है और किसी भी प्रकार शासन करता है, लेकिन अगर वो जनता के हित में कार्य करता है तो किसी वैधानिकता की या कहे कि किसी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जन नियंत्रण के अभाव में सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हितों के द्वारा कुचल दिए जाएंगे। क्या कहा, जन नियंत्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन नियंत्रण का मतलब क्या होता है, अरे भाई लोकतंत्र ही होता है जन नियंत्रण का मतलब। लोकतंत्र का मतलब ऐसा कि जब जन नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो मतलब कि सरकार पर, राज्य पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का तो नियंत्रण होता है सरकार पर, है ना। तो जन नियंत्रण अगर नहीं होगा तो सार्वजनिक हित बाधित हो जाएंगे, सार्वजनिक हितों को कुचल दिया जाएगा। सार्वजनिक हित मतलब जनता के हितों को, जनता के अधिकारों को कुचल दिया जाएगा, उनको उनके उचित अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। तो नागरिकों के विकास के लिए सरकार के कार्यों में जनता का भाग लेना बहुत जरूरी है। ये बातें निरपेक्ष सही नहीं है बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो अब यहाँ ग्रीन साहब ने ये कहा था, अब ग्रीन साहब ने अपने शब्दों को पलट लिया और उन्होंने ये कहा कि एक राज्य में, एक देश में, एक सरकार के अंदर जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता का राज्य में भाग लेना जरूरी है ताकि उनके अधिकारों को कुचला ना जा सके, तो ऐसे ऐसे अधिकारों अर्थात कि ऐसी व्यवस्था की उस परिस्थिति में आवश्यकता नहीं होगी जब राज्य सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कार्य कर रहा हो, है ना। लेकिन फिर भी ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें जनता का सरकार में अर्थात राज्य के कार्य में भाग लेना आवश्यक हो, और किसी देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जहां पर जनता का भाग लेने से पूरा कार्य बिगड़ जाएगा, या व्यवस्था जो है संचालित हो रही है वो बिगड़ जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, तो वहां पर जनता को सहमति नहीं है कि जनता राज्य कार्य में भाग ले। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने इनके शासन संबंधी विचारों को भी समझने का प्रयास किया है। 10 ही पॉइंटों पर, 10 ही बिंदुओं पर हमने एक एक करके उनको बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। इतना लेट हो चुके हैं, इतना समय हो चुका है ना, एनर्जी भी पूरी डाउन हो चुकी है, उसके बाद भी मैंने अपना पूरा प्रयास किया है दोस्तों कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आए। इसके बाद अब कोई लेक्चर नहीं, अब सभी लेक्चर अब कल दिन में करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी, और नेक्स्ट सेशन पर हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम की। छोटे छोटे से पॉइंट, ज़्यादा बड़े नहीं है। जेरेमी बेंथम पर भी एक छोटा सा ही लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग आधे से 1 घंटे का लेक्चर ही होगा उस पर भी।
ठीक है, तैयार रहे दोस्तों लेक्चरों को थोड़ा कंटिन्यूअसली देके उनको थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करते रहे, जिससे कि थोड़े से अधिकतम लोगों तक ये पहुंचे, है ना, जिससे मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा सा बढ़ता रहे। और बताइएगा मुझे दोस्तों कि कैसा लगा सेशन, क्या आपको पूरा समझ आया, कंप्लीट समझ आया, इसमें कोई दुविधा तो नहीं है आपको समझने में? अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें। इससे क्या होता है, जब कमेंट पढ़ता हूँ तो अब मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, थोड़ा मोटिवेट होता हूँ कि यार हाँ, जिस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मुझे ऐसा लगेगा, तो शायद मैं और मोटिवेट होऊंगा और नए तरीके से, नए अंदाज से और अच्छे से पढ़ाने का या समझाने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और स्टडी में इस कदर व्यस्त रहे कि इस बार 90+% चाहिए दोस्तों मुझे आप लोगों से, है ना, भिड़ जाइए बस उसमें, याद रखिएगा बीए में 90+% जो भी लेकर आ गया ना दोस्तों, जो भी लेकर आ गया उसका इस स्टूडियो में स्वागत है ना। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।